कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन ने लगभग हर परिवार का बजट हिलाकर रख दिया है। हर कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भले ही लॉकडाउन को समाप्त कर देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, बावजूद इसके स्कूल कॉलेजेस अभी भी बंद हैं। दूसरी ओर आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों ने निजी स्कूल पर मनमानी फीस वसूलने के आरोप में स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। वाकया है दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 का, जहां अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मनमानी फीस वसूलने के आरोप में स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जबरन निराधार फीस वसूलने का आरोप लगाया। इस दौरान तमाम अभिभावकों ने पोस्टर और बैनर के माध्यम से स्कूल के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। आप देखें हमारे मोबाइल पे हम लोगों को जो चार्जेस दिए, हम लोगों को जो लिस्ट दी गई है उसमें चार्जेस क्या लगा रखे हैं इन्होंने, हर चीज़ के डबल कर रखे हैं। 1250 के जगह ये देखिए एनुअल चार्जेस, 1250 के जगह इन्होंने 1875 दे रखे हैं। डेवलपमेंट फीस इन्होंने लगा रखी है, ये देखिए ज़्यादा स्मार्ट क्लास फीस, एक्टिविटी फीस, ये तो भाई हम हमारे घर में करा रहे हैं, ये कौन से आईटी फीस, इतने सारे फीसेस इन्होंने साइन करके दिया है कि हम पूरे चार्जेस लेंगे। और ये बोल कुछ रहे हैं और भेज कुछ रहे हैं और फिर हम लोगों से ट्यूशन फीस नहीं ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमें सारा दोगे तो ही हम आपसे आप फीस लेंगे। हमारा बच्चा सफर कर रहा है, स्कूल हम पे प्रेशर बना रहा है कि आप फीस दो, ट्यूशन फीस दो, एनुअल चार्जेस दो, डेवलपमेंट चार्जेस दो, स्मार्ट क्लासेस, एक्टिविटी क्लासेस, आईटी चार्जेस, न्यूज़पेपर चार्जेस, 400 रुपए लगा के न्यूज़पेपर के भी पैसे हमसे मांगे जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? इसलिए हम सारे पेरेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम ये गुजारिश करते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट हमारी बात सुने, दिल्ली सरकार हमारी बात सुने, हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचनी चाहिए। हम लोग घर पर रहे, हमारे काम सब क्लोज हो गए, जहाँ पे एडवांसेस गए हुए हैं वो एडवांसेस रिवर्स नहीं आ रहे, जहाँ पे क्रेडिट दे रखा है वो लोग पेमेंट करके तैयार नहीं हैं। सब लोग इस समय एक इकोनॉमी में बहुत बुरी तरह से हिट हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी को, चीफ मिनिस्टर दिल्ली सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक सभी ने निवेदन है पेरेंट्स का कि आप लोग अभी किसी भी तरीके से एक सपोर्ट करवाएं और पेरेंट्स को रिलीफ दिलवाएं इमीडिएट। स्कूल परिसर के बाहर अभिभावकों के प्रदर्शन पर स्कूल प्रशासन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्कूल की प्रधानाचार्य ने अभिभावकों के सभी आरोपों को निराधार बताया है। ये भी आरोप लगा रहे कि कुछ ऐसी फीस है जो नहीं वसूलनी चाहिए, वो भी वसूला जा रहा है। ई पेपर के एग्जाम फीस ले रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं ले रहे। आप इनको बोलिए रिकॉर्ड दिखाएं, आपको ई पेपर्स की कौन सी फीस ली है, ई पेपर्स की कौन फीस। 400 रुपए महीना चार्ज कर रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल ये 100% गलत आरोप है, 100% गलत आरोप है। जुलाई, अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हमने इनसे सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज करी है। उसके अलावा अगस्त में हमने, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का 18 अप्रैल का एक ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब लॉकडाउन खुल जाता है तो स्कूल बाकी चार्जेस कौन से, एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट फीस, तो ये सारी चार्जेस जो हैं प्रो रेटा बेसिस पे स्कूल्स पेरेंट्स से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस मंथ में, अगस्त के मंथ में हमने एक फीस स्लिप इनको भेजी है कि ये प्रो रेटा बेसिस पे ये भी आप मंथली पे करिए, उसमें भी हम इकट्ठा नहीं मांग रहे एनुअल चार्जेस आपसे। अब उसमें यह है कि हम नहीं पे करेंगे, अच्छा मान लीजिए नहीं पे करेंगे, लेकिन आप इतना जो शोर मचा रहे हैं, आप इतना बता दीजिए कि क्या आपने ट्यूशन फी पे की हुई है, ट्यूशन फी भी नहीं पे करी। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना काल के दौरान हर किसी का आर्थिक बजट बिगड़ गया है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई और फीस को लेकर अभिभावकों में चिंता और परेशानी होना लाजमी है।